उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से क्या भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो अगला सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के लिए सब कुछ खत्म हो गया है? पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पार्टी ने ओबीसी समाज के एक लोकप्रिय विधायक को यहां से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया। अब भाजपा की यह रणनीति वरुण गांधी के लिए भारी पड़ सकती है। वरुण ने पीलीभीत से चुनावी तैयारियों को शुरू कर दिया है, हालांकि वे लगातार पार्टी और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा की ओर से भी उन्हें किनारे करने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के समय में पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों के किनारे लगाया जाता है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के शुरुआती काल से जुड़े फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी ने किनारे लगा दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार पार्टी और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। वर्ष 2019 में वे पटना साहिब सीट से सांसद थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। वे खुद रविशंकर प्रसाद के खिलाफ पटना साहिब से उतरे और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ ताल ठोकती नजर आईं। दोनों चुनाव में करारी हार झेलने को मजबूर है और कुछ इसी प्रकार की स्थिति वरुण गांधी की भी बनती दिख रही है।